thrust in a closed surface. उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे. आज हम एक closed surface लेते हैं. Flux in a closed surface. एक potato bag लेते हैं या एक balloon लेते हैं. Like let something like that. A closed surface. इस क्लोज सरफेस में अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली दिखाने की कोशिश करूँ, ये क्लोज सरफेस है. इस क्लोज सरफेस में हम एक एरिया वेक्टर, लोकल एरिया वेक्टर, यानी किसी भी छोटा सा एरिया अगर ये लूँ इस सरफेस पे, तो कन्वेंशन ये है, रिवायत ये है कि हम अंदर से बाहर की तरफ को चूज़ करते हैं. यानी कि ये इस पूरी सरफेस है, इसके अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि मान लो कि चलो इधर की तरफ एक एरिया वेक्टर है, और अगर इधर कोई एक सरफेस इधर है तो मान लो इधर की तरफ एरिया वेक्टर, अंदर से बाहर की तरफ. ये छोटे छोटे एरिया वेक्टर से मिलकर ये पूरी सरफेस बनी हुई है. जो हम पहले पढ़े थे यानी कि ओपन सरफेस की केस में, यानी कि अगर कोई सरफेस ओपन सरफेस है, यानी कि पूरी खुली हुई है, तो मेरे ऊपर डिपेंड था कि मैं इसको इधर साइड लेता एरिया वेक्टर को, या एरिया वेक्टर को मैं इधर साइड लेता. मैं अपनी मर्जी के मुताबिक लेता, लेकिन चूंकि ये क्लोज सरफेस है तो बाय कन्वेंशन हमें एक रिवायत के अनुसार चलना होगा ताकि कुछ आसानियां हो जाए. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजारते हैं इससे, इस क्लोज सरफेस से. सो हमारा फ्लक्स क्या होगा, यानी कि इस फ्लक्स इन दिस क्लोज सरफेस क्या होगा. सो द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल इज डिफाइंड टू बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. यानी कि ये जो लोकल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी, यानी कि इस एरिया वेक्टर के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस एरिया वेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत छोटे 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 जो भी एरिया वेक्टर है उनके करीब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, उन सब का डॉट प्रोडक्ट ले लें और इंटीग्रेट कर दे पूरे सरफेस पे, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल जाएगा जो कि इस क्लोज सरफेस से गुजर रहा होगा. सो मैथमेटिकली हम फ्लक्स को फाई से लिखें, और इसको हम लिख सकते हैं कि क्लोज लूप इंटीग्रल, इंटीग्रल यानी कि चूंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होती है और उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इस एरिया वेक्टर से, यानी ये छोटा सा एरिया वेक्टर हो गया ये, और वो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. तो इस तरह से अगर हर जगह लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर जगह छोटा छोटा एरिया वेक्टर से अगर ये पूरी सरफेस बना हुआ है, तो सबको जोड़ दिया यानी कि इंटीग्रेट कर दिया. चूंकि ये क्लोज सरफेस है तो इसको एक तरीका, एक सिंबल होता है इस तरह का लिखने का, इसको कहते हैं क्लोज लूप इंटीग्रल, या फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस. एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, हमारी फ्लक्स क्या होगी, एक स्केलर होगी, और डॉट प्रोडक्ट है यानी कि अगर ये बाहर में आती तो कैसे आती, तो बाहर में आती तो इट्स लाइक समथिंग लाइक कॉस थीटा की तरह से आती, यानी कि कॉस थीटा के रूप में एक्ट करती डॉट प्रोडक्ट का जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है. यानी कि ऐसे दो वेक्टर जिनका आउटपुट स्केलर आ रहा हो उनमें डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और ऐसे दो वेक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट अगर वेक्टर आते हो तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट, उनकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन अलग है जो कि हम पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे. ठीक है, तो कॉस थीटा अगर आती तो कॉस थीटा का क्या होता है, दिस इज कॉस थीटा, यानी कि कॉस 01 और कॉस 90 0 और कॉस 180 -1, यानी कि ये हमारी फ्लक्स है वो पॉजिटिव हो सकती है. पॉजिटिव कब होगी, जब इस रेंज में होगी, थीटा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो अगर 0 to 90 है तो पॉजिटिव होगी, अगर 90 डिग्री हो गई तो 0 हो जाएगी और फ्लक्स 0 हो जाएगी, और अगर इस केस में रहेगी तो फ्लक्स नेगेटिव रहेगी. यानी फ्लक्स हमारी स्केलर इसलिए पॉजिटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव फ्लक्स कब होगी, जब हम फ्लक्स को ऐसा अजम्पशन ले सकते हैं कि फ्लक्स ऐसा कुछ फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करके जितना अंदर घुसा इस क्लोज सरफेस में उतना ही बाहर निकल गया, तो जितना फ्लो करते हुए अंदर आया उतना ही बाहर निकल गया, तो हमारी टोटल फ्लक्स क्या हो गई, 0 हो गई. और अगर हम ऐसा अजम्पशन ले सकते हैं कि जितना फ्लक्स अंदर आया और थोड़ा सा बाहर गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर फ्लक्स घुसा और थोड़ा सा बाहर निकला, तो कहेंगे कि ज़्यादा अंदर घुसा तो नेगेटिव फ्लक्स, टोटल फ्लक्स नेगेटिव. और अगर तीसरा केस ये हो सकता है कि थोड़ा सा तो अंदर है और ज़्यादा बाहर फ्लक्स निकला, तो हमारी टोटल फ्लक्स पॉजिटिव हो गई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. उम्मीद है आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.